प्रेरणा कथा। बाधा नहीं पुल बनी है। एक बहुत ही प्रतिभाशाली छोटा लड़का था। वो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही सृजनशील था। वो स्वभाव से ही नेतृत्व करने की क्षमता रखता था। कोई भी उसको अपने दल में रखना चाहता था। इन सभी गुणों के साथ साथ एक अवगुण भी था। वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। वो कई बार ऐसी बातें बोल देता था या ऐसी बातें कर देता था जिनसे औरों को आघात पहुंचता था। वो अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं करता था। यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी महत्व नहीं देता था। वैसे भी उसके मित्र नहीं थे, पर वो कहता था कि लोग मूर्ख हैं। वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके माता पिता उसके व्यवहार के बारे में चिंतित होने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद पिता को एक युक्ति सूझी। उसने अपने बेटे के साथ एक शर्त रखी। उसने अपने बेटे को एक झोले में किले और एक बड़ा सा हथौड़ा दिया। पिता ने बेटे से कहा, जब भी तुमको क्रोध आए, इनमें से एक कील बाहर के बड़े पेड़ पर ठोक देना। उस कील को जितना जोर से हो सके ठोकना। पिता जानता था कि वो हथौड़ा बहुत भारी था और उस छोटे लड़के के लिए कील ठोकना इतना आसान नहीं होने वाला था। परंतु पहला दिन समाप्त होते होते उसके बेटे ने उस मोटे पेड़ के तने में 40 कीलें ठोक दी थी। स्पष्ट था कि उस लड़के को कितना क्रोध आता था। कुछ हफ्ते के बाद प्रतिदिन ठोकी गई कीलों की संख्या घटने लगी। अंत में ऐसा दिन भी आया कि लड़के ने एक भी कील नहीं ठोकी। स्पष्ट था कि उस दिन लड़के को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। लड़के ने अपने माता पिता को खुशी खुशी बताया कि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। पिता ने लड़के से कहा, तुम सफल हो, अब तुमको प्रतिदिन एक केल निकालनी होगी, यदि पूरा दिन तुम क्रोधित नहीं होते हो तो। कई हफ्तों के बाद बेटे ने गर्व से अपने पिता को बताया कि उसने सभी केले निकाल दी थी। अगले दिन पिता अपने बेटे को उस पेड़ के पास लाया और कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, पर तुम देख सकते हो कि पेड़ के तने में कितने ही सुराख रहे हैं। ये पेड़ अब पहले जैसा नहीं है। क्रोध में कुछ करने से भी ऐसा ही होता है और दाग रह जाते हैं। किसी को शब्दों से या शारीरिक रूप से पहुंचाए गए आघात हमेशा ही बाकी रहते हैं। लोग तो इस पेड़ से बहुत बहुमूल्य है। सबके साथ प्रेमपूर्ण और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कुछ मित्र भी बनाना चाहिए और समय पड़ने पर उनको सहयोग भी करना चाहिए। याद रहे, तुमको जीवन में किसी पर दाग नहीं छोड़ना। क्रोध तो सभी को आता है, पर सबसे बड़ा गुण होता है कि कैसे अपने क्रोध पर नियंत्रण किया जाए। लोगों से संबंध बनाकर हमको पुल बनना चाहिए और लोगों के बीच की दूरियां भरनी चाहिए, न कि बाधा बनकर उनके जीवन को दूभर बनाना चाहिए। मित्रों, अगली बार जब भी आपको क्रोध आए तो ऐसे ही कुछ कीजिए। जरूरी नहीं कि केले ठोको। आप किसी आईने पर या किसी कागज पर लकीरें खींच सकते हैं। फिर देखिए कि आप कितने समय में अपने कागज को लकीरों से गंदा करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।